हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। एक बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स प्लांट का कटिंग मैंने लगाया है, देखिए समझिए यूनिक ये प्लांट है। ऐसा प्लांट मैं अभी तक नोएडा में नहीं देखी थी। ये देखिए हमारे यहाँ प्लांट बहुत देखने को मिल रहा है, मैं उसी से कटिंग लगा मांग कर लगाए हूँ। ये देखिए इस तरह का फ्लावर्स आता है, येल्लो और रेड कलर का, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे इसी तरह का फ्लावर्स इसमें आता है, बहुत खूबसूरत लगता है। ये जहाँ लगा हुआ था उन्हीं से मैं कटिंग मांग कर लगाई हूँ। इसमें बहुत सारे कटिंग लगाया था, समझिए 10 कटिंग लगे होंगे, सारे ग्रो हो गए हैं। मैंने 8-10 कटिंग लाई थी मांग कर, बहुत खूबसूरत ये फ्लावर्स लगता है। और एक ही पॉट में मैंने सारे कटिंग लगा दिया था, मुझे उम्मीद नहीं था इसे कटिंग चल जाएगी। ये देखिए इसका लीव्स पतले पतले से होता है कनेर प्लांट के जैसा, लेकिन फ्लावर्स दूसरे तरह का होता है, येल्लो और रेड कलर का, बहुत खूबसूरत लगता है। इसको धीरे से निकालना पड़ेगा आराम से, क्योंकि ये सारे कटिंग मेरी चल गई है, रूट्स भी बन गया है, इसीलिए ये चाकू की मदद से या कोई भी नुकीले चीज़ की मदद से इसको पहले मिट्टी को ढीला करना पड़ेगा। पॉट में लगे रहते तो मैं उलट कर इसको ऐसे पटक देने से निकल जाता है, लेकिन इस वेस्ट मटेरियल डब्बे में है, निकलना मुश्किल हो जा रहा है, मिट्टी सारे नीचे जम गए हैं देखिए, इसीलिए इसको आराम से निकालूंगी। और देखिए कितने सारे मेरे प्लांट फ्री कहीं बन गए हैं, ये देखिए थोड़े ढीला कर देने से प्लांट धीरे धीरे निकल जाएंगे। ये देखिए ये कटिंग मैं लगा कर टेरेस में ही रख दिया था, सुबह का घंटा दो घंटा धूप मिल गया फिर भी ये ग्रो हो गए हैं। देखिए मुझे उम्मीद ही नहीं था से प्लांट लग जाएंगे। ये देखिए कितने सारे कटिंग तैयार हो गए हैं, मैंने जितने सारे कटिंग इसमें डाला था सारे कटिंग हो ग्रो हो गए हैं। ये देखिए निकल गए सारे में, रूट्स भी बन गया है। और इसको आज मैं अलग अलग पॉट्स में लगाऊंगी। अगर इस प्लांट का आप लोग को मालूम हो तो ज़रूर बताइएंगे, मुझे तो अभी तक इस प्लांट का नाम ही नहीं मालूम, लेकिन फ्री में ये प्लांट इतने सारे बन गए और इसका फ्लावर्स बहुत खूबसूरत लगता है, येल्लो और रेड कलर का। चलिए इसमें मैं लगाना शुरू करती हूँ। मेरे पास पॉट की बहुत कमी भी हो गया है, होममेड बहुत सारे पॉट बनाया था सारे ख़त्म हो गए, दो ठो मेरे पास बचे हुए हैं। हम लोग जितने भी पॉट खरीदते हैं या बनाते हैं सारे धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं, कमी हो ही जाता है। देखिए ये दो ठो बचे हुए इसी में मैं लगा दूँगी। इसमें गार्डन सोया, रेत, कंपोस्ट और नीम खली मैं पहले से ही इसमें मिला कर रखी हूँ। हमारे अभी भी बहुत गर्मी पड़ रहा है, इसीलिए इसको लगाकर आज सिटी एरिया में दो दिन के लिए रखूँगी, लेकिन अभी शाम को समय मैं रिपोर्ट कर रही हूँ, रात पर इसको ठंडक मिलेगा। कभी भी रिपोर्ट करें शाम के शाम कर देने से अच्छा रहता है, शाम को करिए या एकदम सुबह को करिए। ये देखिए कितने सारे प्लांट बन गए हैं और इतने सारे पॉट्स भी नहीं है मेरे पास, तो दो दो ठो मैं एक पॉट में लगा देती हूँ। देखिए दो पॉट में, दो प्लांट एक पॉट में लगा दूंगी, क्योंकि पॉट कमी हो गई है, अभी फिर से नर्सरी से लाना होगा या फिर बनाऊंगी मैं। ये देखिए मोटा कटिंग भी मैंने लगा दिया साइड से, देखिए ग्रो हो गया, नए लीव्स आ गया है। दो इसमें लगा दूंगी, दो इसमें लगा दूंगी, अब बाकी और पॉट में लगाऊंगी। इतने सारे मेरे प्लांट तैयार हो गए हैं, इस प्लांट का ज़रूर आप लोग नाम बताएँगे कमेंट्स में, मुझे अभी तक इस प्लांट का नाम ही नहीं मालूम हुआ है। और जहाँ से मैं लाए हूँ उनके यहाँ जहाँ लगा हुआ है जिनके यहाँ, उनको भी मालूम नहीं है इस प्लांट का नाम, बस मुझे अच्छा लगा मैं वहाँ से कटिंग लाकर मैंने लगा दिया था। देखिए इतने सारे प्लांट बन गए हैं, देखिए फ्री में ही हम लोग कितने सारे प्लांट बना लेते हैं। अभी बारिश के मौसम में तो कटिंग से भी बहुत सारे प्लांट बना लेंगे। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करिएगा, था साथ के साथ शेयर भी कीजिएगा। और एक ठो देखिए एक ठो प्लांट मैंने इसी में ही लगा देती हूँ, जिससे मैंने निकाला था जिस पॉट से, इसमें लगा देती हूँ, अच्छे से ग्रो हो जाएंगे। और इसको एक बार फूल पानी देकर, अभी तो शेडी एरिया में एक दिन के लिए रख दूँगी, दो दिन के लिए टेरेस पर ही शेडी एरिया में साइड में रख दूँगी, उसके बाद फुल सनलाइट में ही अच्छे से ग्रो हो जाएंगे। ये देखिए कितने सारे कटिंग से तैयार हो गए प्लांट, एक ठो इसमें लगा दे रही हूँ। इस तरह हम लोग कितने सारे प्लांट कटिंग से तैयार कर लेते हैं फ्री कहीं प्लांट, नर्सरी से भी लाना नहीं पड़ता है। और इस ये वाला यूनिक प्लांट मुझे लगा था, बहुत खूबसूरत लगता है इसका फ्लावर्स देखने में।
देखिए इसमें लग गए, इतने सारे प्लांट तैयार हो गया। और इस सॉइल में मैंने फंगीसाइड नहीं मिलाया था, इसीलिए मैं पानी में घोलकर डाल देती हूँ। एक बार फंगस लगने का और सड़ने का डर नहीं रहेगा, क्योंकि बरसात का भी मौसम है, इसीलिए फंगीसाइड देना बहुत ज़रूरी है। और ये रिपोर्ट करते करते देखिए मुरझा भी गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, रात भर ठंडक मिलेगा तो सुबह तक ये खड़े भी हो जाएंगे, फ्रेश हो जाएंगे। अभी तो निकालने के बाद ये मुरझा गए हैं। कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, और इस प्लांट का नाम ज़रूर बताएंगे आप लोग। मुझे तो मालूम ही नहीं इस प्लांट का क्या नाम है, और फ्री में ही इतने सारे प्लांट बन गए। थैंक यू फ्रेंड्स।